नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद कौन बनेगा एमएलए में। कौन बनेगा एमएलए में, हम हमेशा आपको ऐसे हकदार लोगों से मिलवाते हैं जो वाकई एक अच्छी पृष्ठभूमि रखते हैं और जिनमें योग्यता है नेतृत्व करने की, एक समाज के वर्ग की या पूरे समाज की। तो आज हमारे साथ हैं हेमंत भाटी। हेमंत भाटी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हेमंत भाटी और उनका परिवार कई वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय रहा है। इनके पिता शंकर सिंह भाटी इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस से जुड़े थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता ललित भाटी विधायक रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं और अब हेमंत भाटी हमारे बीच हैं और जो दक्षिण से अपनी दावेदारी मजबूत रूप से पेश कर रहे हैं। हेमंत भाटी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार उन्हें डेफिनेटली जीतने की उम्मीद है। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हेमंत जी, मैं ये, हालांकि लोग आपके बारे में लगभग सब जानते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें जो जानने योग्य हो, जैसे आप इनिशियली कहाँ से पढ़े, बचपन का कोई अनुभव जो शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से बताएं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी सैन फ्रांसिस स्कूल से हुई थी, उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के अंदर गया और कॉलेज मेरा GCA से हुआ है। अच्छा, इतना संक्षिप्त परिचय। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? बीकॉम मैंने किया। अच्छा, बीकॉम से किया हुआ है। अच्छा, ये शुरू से ही मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड परिवार में जो था उसको देखकर राजनीति की इच्छा हुई या ये स्पॉन्टेनियस एंट्री थी? शुरू से घर के अंदर माहौल तो था ही, हम बचपन में देखा करते थे मोहनलाल सुखाड़िया से लेके शेषन माथुर, अशोक गहलोत, जो भी मुख्यमंत्री रहे उनका घर में पिताजी के पास आना होता था, सभाएं वगैरह होती थी। उसके बाद फिर बड़े भाई ललित भाटी केकड़ी से चुनाव लड़े, मगर मेरा कोई इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स के अंदर नहीं था। मैं स्कूल पास आउट करने के बाद से ही पिताजी के साथ बिजनेस में लग गया था, चूँकि बड़े भाई साहब तो पॉलिटिक्स में एंटर कर ही चुके थे तो एक वैक्यूम हो गया था। तो पिताजी ने मुझे ट्रेन करना शुरू किया और बिजनेस की सारी टेक्निक जो हैं किस तरह से होता है, हमारा बीड़ी का बिजनेस, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी। और अलग अलग बिजनेस भी मैंने फिर और भी किए। मैं स्पाइकर का मास्टर फ्रेंचाइजी बना, मेरा दिल्ली के अंदर शोरूम था, अजमेर के अंदर, दिल्ली में, हाँ, दिल्ली कनॉट प्लेस के ऊपर था। अच्छा, ई ब्लॉक के अंदर। हाँ, वो मैंने चलाया। अलग अलग तरह के धंधों का मुझे कुछ शौक भी रहा, मुख्यतः फिर बीड़ी का बिजनेस ही उसको और एक्सपैंड किया मैंने। देहरादून में होटल भी है अपनी। अच्छा, और अब देहरादून में किस जगह? मेन राजा रोड के ऊपर अपना होटल है, कृष्णा पैलेस के नाम। अच्छा, और अभी मालूम होता देहरादून में है तो मैं तो गया था अभी। आप कह देता अहमद भाई बता दो, वहीं रुक जाते। अच्छा, और अभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। चंद्रमोहन डेवलपर्स के नाम से एक फर्म है, क्योंकि बड़े बड़ा बेटा लंदन से मास्टर्स करके आया है सिविल इंजीनियरिंग के। अच्छा, ग्रेट, जिस बच्चे की शादी की अभी आपने? छोटा बेटा BA LLB उसने फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से किया है। तो इतना सा परिचय है। मेन चीज़ मुझे आप बताइए, आपने शुरू से मतलब है ना बिजनेस बैकग्राउंड, आपने जैसे बताया भाई फैमिली में पॉलिटिक्स थी जरूर लेकिन अपन बिजनेस में थे। तो जब पिताजी का देहांत हुआ अभी रिसेंटली, बड़े ब्रदर का देहांत हुआ, तो स्पॉन्टेनियसली सब कुछ सर पे आया होगा जी। तो वो एकदम से जिम्मेदारी आ गई। हाँ, इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था क्योंकि मेरा लगाव अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा था। उनके जाने के बाद अचानक लगने लगा कि अब कोई निर्णय अगर लेना हो तो फिर अब किस से राय लूँ। हाँ, एकदम से। मगर फिर उनकी दी हुई ट्रेनिंग से वो स्थिति भी संभल के आ गई। भाइयों का साथ था, दो छोटे भाई साथ ही रहते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी एकदम से आने से थोड़ा वो लगा होगा वैक्यूम। थोड़ा सा मगर फिर संभाल लिया खुद को। तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज, तीनों चीज़ें इनफैक्ट, बिजनेस, परिवार और अब ये? अचानक से पायलट साहब का एक दबाव सा आया, उन्होंने इच्छा जाहिर की, तो मैंने कहा मेरे बस की पॉलिटिक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा आओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा, जिस तरह से तुमने बिजनेस को भी बड़ा अच्छी तरह हैंडल किया तो ये भी हैंडल हो ही जाएगी। तो पिताजी ने जिस तरह से ट्रेनिंग दी थी उसमें एक समाज सेवा का भी बहुत बड़ा रोल था।
सेवाएं पिताजी करते थे विधवाओं की बेटियों की शादियां कराना, और एक बुक बैंक हमारा 1974 से चल रहा है, इसमें गरीब बच्चों को फ्री हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे। बुक बैंक, बुक बैंक कहाँ कहाँ चलता है? फैक्ट्री प्रीमिसेस में ही है, अच्छा, अलग से एक बिल्डिंग है। उसमें पहले स्टार्टिंग के अंदर तो क्योंकि पिताजी का ये मानना था कि जो पैसे की जो आर्थिक मदद होती है वो कुछ समय तक रहती है, और अगर बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए तो वो अपने आप ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। इस भावना को लेकर बुक बैंक शुरू हुआ था जो अभी तक भी रन करता है, मगर अच्छा, उसका प्रचार भी नहीं है उसमें। अपन उसमें अपन जो है जो फाइनेंशियली वीक जो बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो किसी भी समाज का हो सकता है, उसका अच्छा, पर्टिकुलर नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो आके ले जाता है। और इसके अंदर हमने 5 लड़कियां डॉक्टर्स भी बनाई हैं, अच्छा, और फर्स्ट ग्रेड टीचर्स और प्रिंसिपल दो गिनती नहीं है, बहुत हैं डॉक्टर्स बनाए बच्चे। हाँ, 5 वो भी लड़कियाँ ही बनी हैं उसके अंदर। ग्रेट, आपके समाज की हैं, समाज की हैं? हाँ, वो समाज की हैं। ग्रेट। और इंजीनियर्स वगैरह भी जो कर रहे हैं उनको भी सारी बुक्स, जो बुक्स की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, हम उन्हें मुहैया करा देते हैं। तो उस भावना से फिर ऐसा लगने लगा कि अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो पूरे अजमेर शहर का विकास करने में बहुत बड़ी एक मदद हो सकती है, यही सोच के फिर पॉलिटिक्स। अब हमें जितना मालूम है कि जब अनीता बघेल अपना पहला चुनाव लड़ी थी जी, तब भाटी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त था किसी ज़माने में। हाँ, उस आशीर्वाद से बनी, मतलब ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरह लैंडमार्क किस्म की चीज है। हाँ, कि विरोधी पार्टी भी आके आशीर्वाद ले, इतना इतना जलवा। पिताजी का प्रभाव तो रहा ही है, क्योंकि तो पिताजी के साथ मैंने इतने साल काम किया, तो एक मेरी भी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनी थी, लोग पसंद करने लगे थे। तो इस वजह से उस वक्त रिश्ते में कज़न लगती है, इसके पापा मेरे कज़न लगते थे। किन के? अनीता के, अनीता बघेल के पापा, ये जानकारी। उस लिहाज से वो मुझे चाचा जी आज भी बोलती है, हमारे संबंधों में ऐसी कटुता नहीं है, पार्टी लेवल के ऊपर सिर्फ। मुझे याद है आप आपके बड़े ब्रदर ललित जी की पैर छूकर मिलती थी, और मैंने बहुत उस मतलब एक कितनी मतलब एफिशिएंट, और देखने में ऐसा फैक्ट लगता है कि एक परिवार ऐसा है जिसकी ताकत एक क्षेत्र में इतनी तगड़ी रहो कि सामने चुनाव लड़ने वाला आदमी भी पैर छुए। नहीं, पार्टी की वजह से कोई कटुता नहीं आई, मगर पार्टी लेवल पे सही है, उनकी वफादारी बीजेपी के साथ है तो वो बहुत अच्छी बात है, हम कांग्रेस ही हैं तो हमारी कांग्रेस के साथ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फिर ये जो पीछे आप चुनाव जो आप हारे थे उस, वो आप कारण क्या समझते हो? देखो, ऐसी स्थितियों में भी पहला चुनाव तो मोदी की एक लहर थी स्वाभाविक रूप से, वो उसमें तो बड़े बड़े दिग्गज निपट गए, और दूसरा चुनाव जितना मुझे अनुभव हुआ था कहीं ना कहीं मैं कारण ये मानता हूँ कि पब्लिक मुझे शायद 5-10% कम पसंद करती है, क्योंकि एक छाप अमीर व्यक्ति की भी लगी हुई है, तो आम आदमी जो नहीं जानता, आम आदमी के दिमाग में एक वो छवि रहती है, छवि रहती कि अगर पिजेरो से डेटा उतरता है तो यार ये क्या काम करेगा, ये फैक्ट मुझे ऐसा लगा। मगर जिस तरह से मैं पिछले 5 साल पूरा सक्रिय रहा, तो जो लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखते थे, जब वो पास आए तो उन्हें लगा कि आपकी छवि तो बिल्कुल विपरीत है, लोग बोलते क्या हैं, और आप तो बिल्कुल सरल हो, सहज हो, आसानी से उपलब्ध हो, और ना दिन देखते ना रात देखते, जब हमें जरूरत पड़ती है उपलब्ध होते हैं। तो उससे काफ़ी फ़र्क इन 5 सालों के अंदर पड़ा। आपको लगा कि ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत ग्रुप की जो गुटबाजी अजमेर में फैली हुई है, उसका कहीं रोल रहा आपके चुनाव हारने में, आपको ऐसा लगा? ऐसा नहीं होता, देखो 100% सभी आपके साथ में तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, मगर उन परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करके आप पार्टी की छवि को और अपनी छवि को और अपने कार्यकर्ताओं का साथ लेकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल जीत निश्चित होती है। अच्छा, पार्टी अगर आपको बीच में चर्चा चली थी बहुत कि पार्टी ये सोच रही है कि हेमंत भाटी को जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, तो इस तरह की जिम्मेदारी अगर अपने आ जाती है तो अपन निभा लेंगे, चलाएंगे आप? देखिए, मेरा नेचर चुनौतियों का सामना करने का रहा है, और मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ, पढ़े लिखे हैं, और अब इतने करीब 5 तरह के बिजनेस में भी करता हूँ, और अपनी योग्यता मैंने उन्हें आगे बढ़ा कर साबित भी की है कि मैं
किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी अगर आती तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा, एक और पर्सनल सवाल। अभी कुछ समय पहले अजमेर दक्षिण से ही आपकी पार्टी में है डॉक्टर जयपाल, उनमें और आप में एक मतलब मिसकंसेंसस या जबानी जंग सी खुली थी, जिसको लेके वो भी हमारे पास आए थे इंटरव्यू में। मैंने उनसे पूछा, आप इस तरह से आपने मुकदमा जो दर्ज किया है और ये सब अच्छा नहीं है, पार्टी में गलत संदेश नहीं जाता, आप रुक के कर सकते थे। तो जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं है, और उस चीज़ में आपका क्या टेक है? आप उस समय बड़ा खुल के बोले थे कि भाई इनकी आपराधिक छवि है, टिकट नहीं मांगना चाहिए, और ये इस तरह की स्टेटमेंट आपकी आई थी जिसपे रिएक्ट किया था उन्होंने, उस पर आपका क्या टेक है? एक मोमेंट पे कोई बात कहने में आ गई, मगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और राजकुमार जी से मेरे संबंध अभी तक मधुर रहे, हम सहजता से मिलते हैं, करते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। हाँ। हो सकता है उन्होंने इस बात को कोई अदरवाइज ले लिया हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो टिकट मांग रहे हैं सिर्फ इसीलिए मैं इस तरह का स्टेटमेंट दूँ। अगर मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, उन्होंने हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी। हो गई तो बस वही है ना, मैं भी वही चीज़ वो आए थे, मैंने उनको कहा था कि भाई उन्होंने तो एक तरह से आउट ऑफ द वे बाहर जाती हुई बॉल खेल ली, आपको ये नहीं करना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर कोई माहौल बनता है तो मैं इसको कंपाउंड करने को रेडी हूँ। आपका भी टेक यही है, मिलके चुनाव लड़ लेंगे। अगर दक्षिण में किसी को भी टिकट मिल गया, आपको मिला या जयपाल जी को मिला या किसी को भी, पार्टी के जिम्मेदार एक कार्यकर्ता होने के नाते जो एक इल्ज़ाम लगते हैं कि 20 साल से कांग्रेस हार रही है, 20 साल से कांग्रेस हार रही है, तो मैं समझता हूं कि इस बार इस तरह का माहौल है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है राजस्थान के अंदर, और उसमें अगर हमारी भागीदारी रहती है तो टिकट किसी को भी मिले। इस बार अजमेर शहर के समस्त कार्यकर्ता इस बात के लिए एकदम तैयार हैं, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा उसके प्रति सभी कार्य करेंगे, और जो वनवास है 20 साल का उसको इस बार खत्म करेंगे। शानदार। तो इसमें आपने क्या तैयारी की है, मतलब अब चुनाव आ रहे हैं तो आपने अपनी स्तर पे क्या तैयारी की है पार्टी के लिए दक्षिण में? कांग्रेसी प्रत्याशी होने के नाते मैंने हारने के बाद भी ना तो अपना ऑफिस बंद किया, ना ही कार्यकर्ताओं से मिलना मैंने बंद किया। पूरी मजबूत टीम कांग्रेस की एक तैयार करके हमने दी है, क्योंकि हार के बाद जो है विश्लेषण जब होता है तो उन कमजोर पॉइंटों को दुरुस्त किया जाता है कि आखिर किन कारणों से कांग्रेस हार रही है। ऐसा नहीं है कि जनता का कोई लगाव कांग्रेस से नहीं है, वो इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब भी आती है विकास के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ललित भाटी जी पहले यहाँ से MLA थे, तो आज भी हम जब बस्तियों में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी जब कांग्रेस के ललित भाटी जी यहाँ पर थे, जीत के आए थे, उस वक्त ये सड़क बनी थी, उसके बाद आज तक नहीं बनी। तो इट मीन्स कि बीजेपी का राज आने के बाद भी शहर में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हम देखते हैं कि शहर के अंदर कोई इंडस्ट्री लाने की कोई बात नहीं कर रहा है, पानी की इतनी बड़ी समस्या, और इतने सालों से मोटवानी जी की कृपा रही है तो जो ये जो योजना है बीसलपुर की, वो अजमेर में पानी लाने के लिए ही योजना बनी थी, इस वजह से फिर शायद पानी आ रहा है। अगर ये परियोजना नहीं बनी होती तो शायद पानी के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही होती अजमेर शहर के अंदर। आज हर साल जनसंख्या बढ़ती है, उस अनुपात के अंदर 20 साल MLA रहने के बाद भी इस और इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। आज दक्षिण के अंदर फिर कम परेशानी, उत्तर में तो पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब पानी का व्यापार होने लग गया है, पानी खरीदना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ जो एक मूलभूत सुविधा विधायकों को उपलब्ध करानी चाहिए थी, वो खरीद खरीद के लोग अपना काम चला रहे हैं। तो ये सोच का विषय है, और जनता भी इस बार विचार कर रही है। आपने देखा होगा कि BJP के खुद जो है अपने विधायकों से परेशान हैं, और कल जिस तरह का प्रदर्शन हुआ वो कोई अच्छी बात नहीं है। अजमेर शहर के विकास को लेकर अब प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, और आने वाला समय जब मतदान का है उस वक्त सोच समझकर मतदान करें, उस वो निर्णय करेगा कि आगे आने वाला अजमेर का भविष्य क्या है। अनीता बघेल हमारे पास आई थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के विषय पर जब बात चल रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैडम आप जहाँ रहते हो, आपका अपना घर जहाँ है, अभी जब तूफान आया था, विपर्जोय आया था, तो पूरा शहर तर हो गया था। आपके क्षेत्र में तो खास करके निचली बस्तियों में घरों तक में पानी घुस जाता है,
ना बहुत हालत ख़राब थी, तो मैंने उनसे उन पर सवाल किया था, तो वो उत्तर मुझे संतोषजनक लगा नहीं, जबकि मैंने उनको ये भी कहा कि मैडम आपके खुद के घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, वो वहीं रहती हैं। बिल्कुल इस बार मतलब 75 और 89 के बाद वापस इस बार मेरे घर में पानी भरा, रिपीट हुआ मेरे घर आपके मेरे घर के कमरों में भी पानी था। बताओ आप ये स्थिति, मतलब ऐसी ऐसा क्या कारण है दक्षिण में ये चीज़ सॉल्व होती नहीं है, बहुत सालों से दिख रहा है ये ड्रेनेज, बारिश में ड्रेन है जो पानी के, इसका असर दक्षिण में ही ज़्यादा आता है। एक्चुअली पूरी ढलान जो है अजमेर शहर की वो दक्षिण क्षेत्र से होकर ही अपने माखूपुरा इधर जो तालाब बना है वहीं से आगे की तरफ रन करता है। तो आप देखें जो एस्केप चैनल बनी हुई है उसके साथ जो नालियां मोहल्लों की और कॉलोनीज की जो जुड़ती हैं उसका प्रॉपर एक साइज नहीं है। एक गुलाब बाड़ी का नए घर का वहाँ से जो नाला है वो कभी 12 फुट का हुआ करता था, अनिता जी ने उसको सकड़ा कर दिया और सड़क के लेवल से ऊपर उठ के वो नाला जा रहा है। अब ये तो बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है कि सड़क का पानी नाली में जाएगा तो नाली का जो है वो मुँह है जो ऊपर नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जाके देखेंगे मेयो कॉलेज के पीछे तो सड़क से 4-4 फीट ऊपर नाला बना हुआ है, तो सड़क का पानी कहाँ जाएगा? अब वो पानी वहाँ से ओवरफ्लो होकर और वो नए नए रास्ते पकड़ के वो जो बस्तियों की तरफ आ जाता है। और स्थिति इस बार ये थी कि दो दो पंप लगाने के बाद भी निगम में जो पार्षद उन्होंने दो दो पंप लगाने के बाद भी 4-4 दिन तक पानी नहीं होता। एक गरीब की स्थिति ये थी कि ना तो खाना पका सकता था ना ढंग से सो सकता था। बड़ी तो इस चीज दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। जो 75 के बाढ़ का हालत था वो उसके बाद से लेकर अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी चेंज हो गया है। नए रास्ते बनाए जा सकते थे पानी के निकासी को अलग अलग तरीकों से मोड़ कर और उसको एस्केप चैनल में ला के निकाला जा सकता था, मगर इस दिशा में कभी कोई काम हुआ भी नहीं और नालों की सफाई भी नहीं होती है। तो उस वजह से एक सबसे बड़ी जो गलती हुई है स्मार्ट सिटी के काम में, जो ये सीवरेज का जो पाइप इन्होंने नाले के बीच बिल्कुल एस्केप चैनल के बीच में डाल दिया वो सबसे गलत डिसीजन हो, उससे भी पानी का अवरोध उत्पन्न होता और पानी प्रॉपर निकल नहीं पाता। तो आपका आपका आप अगर बन जाते हैं पहले तो आप इस दिशा में काम करेंगे? बिल्कुल अजमेर शहर का विकास करना है तो विकास के लिए सोचना पड़ेगा, उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। आज रोजगार के क्षेत्र में कदम उठाने पड़ेंगे। आप देखें अजमेर शहर में इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है जिसमें बल्क में रोजगार मिल सके किसी को भी। एजुकेशन सेंटर्स आप देखो यहाँ है नहीं। आज अजमेर शहर के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर है, कोई बॉम्बे जाता है, पूना जाता है, बेंगलोर जा रहा है, चेन्नई तक यहाँ के बच्चे जा रहे हैं। तो 20 साल के अंदर तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो सकते थे, मगर उस दिशा में विजन नहीं होने की वजह से अजमेर की जनता को भुगतना पड़ा। तो आप इतने सुदृढ़ हैं, हर तरह का बिजनेस है, आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही खोल दीजिए, बहुत शानदार ये देन होगी भाटी परिवार की अगर आप ये विजन रखते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं, अजमेर में पोटेंशियल भी है। नहीं नहीं बिल्कुल है, है ना? बिल्कुल है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि माता पिता आजकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने खर्चों में कटौती करने के बाद आज वो बच्चों को पढ़ाई है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बहुत नाम भी कर रहे हैं। अजमेर शहर के अंदर अगर बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाए तो निश्चित तौर से चलेंगे, जो भी स्कूल खुलता है चलता ही है ना। दूसरी आखिरी सवाल, आपको पार्टी ने टिकट दे दिया तो आप पूरी कोशिश करोगे और उम्मीद करेंगे इस बार विधायक आप बन जाए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपके आपका टेक क्या रहेगा? कांग्रेस के लिए काम करेंगे। किसी को भी दे दिया, किसी को भी, डॉक्टर जयपाल को दे दें या बाकोलिया को दे दें, बिल्कुल किसी को भी दे दें, बिल्कुल। तो देखिए ये थे हेमंत भाटी जिन्होंने बड़ी सदाशयता से स्वीकार किया है कि अजमेर में क्या कमियां रही हैं और कैसे कमियां ये दूर करने का विजन रखते हैं। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं सभी दर्शकों से रूबरू हो सका, धन्यवाद। तो ये थे हेमंत भाटी, फिर मिलेंगे फिर किसी मजबूत हकदार के साथ। जय श्री कृष्ण।